दोस्तों नमस्कार। वाकई में बेटी की पढ़ाई और बेटी की लिखाई को लेकर के, बेटी की रक्षा को लेकर के मोदी जी कितने सीरियस हैं, ये पता चल जाता है जब जब कर्नाटक की विधानसभा में, कर्नाटक राज्य में जोड़ तोड़ से बनाएगी सरकार में, जी हां, खरीदे हुए विधायकों की सरकार में, येदियुरप्पा की सरकार में, जब एक ऐसा व्यक्ति लक्ष्मण साध्वी नाम का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो प्रोन देख रहा था, जी हां, करेक्टर का खराब व्यक्ति जब वहां उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो इसमें सवाल तो उठने चाहिए और देश के लोगों को भी सवाल पूछने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से जो बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब बेटी कहां बचेगी? जो आदमी प्रोन देख रहा है वो कितना बड़ा अपराधी होगा और किस तरह का वो विधायक होगा, किस तरह का नेता होगा और किस तरह का उप मुख्यमंत्री होगा? अब मैं आपको बता दूं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा ने सोमवार को 17 नव नियुक्त मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। पहली बार कैबिनेट में 3 नेताओं को उप मुख्यमंत्री का प्रभार दिया और जिसमें गोविंद करजोल, अश्वथ नारायण, लक्ष्मण साध्वी, और लक्ष्मण साध्वी के नाम को लेकर के विवाद छिड़ गया क्योंकि ये लक्ष्मण साध्वी वही हैं जो कभी प्रोन देखते हुए पकड़े गए थे संसद में भी और कर्नाटक में भी। जी हां, 2012 में साध्वी और दो अन्य विधायक विधानसभा में अश्लील वीडियो देखते हुए कैमरे में कैद हो गए थे। बाद में इन लोगों ने मामले में सफाई दी कि वो एजुकेशन के उद्देश्य से इसको देख रहे थे कि ऐसा भी कुछ होता है क्या यार? लल्लू समझाया क्या पूरी पब्लिक को देश की? यार लल्लू बना सकते हो क्या? जैसे मोदी जी लल्लू बना देते हैं पूरे पब्लिक को देश का, वैसे ही आपने सोच लिया है? जब इस तरह के करेक्टर लूज व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे कर्नाटक के, तो वो बाकी महिलाओं के लिए क्या सम्मान लेके आएंगे और किस तरह के वो करप्शन वहां फैलाएंगे, महिलाओं का करप्शन जिसमें बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी किसी के घर की। जो इस तरह का व्यक्ति जब उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के उस नेतृत्व पर सवाल उठते हैं जो नेतृत्व अमित शाह संभाले हुए हैं, जो अमित शाह अपनी हामी से सारे काम चला रहे हैं। भले ही खरीद कर सरकार बनाई हो कर्नाटक की, लेकिन इसमें भी करप्ट लोग आ गए। सरकार बनाने की इतनी जल्दी क्या थी? सरकार बनाने में क्या फायदा था भारतीय जनता पार्टी को? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय हित था? अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो वो ना हो पाता, और यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो वो हो जाएगा। ऐसा कौन सा राष्ट्रीय हित था जिसको लेकर के ये सरकार की जोड़ तोड़ की गई अमित शाह के द्वारा, और बनाया गया ऐसे एक व्यक्ति को जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जो प्रोन वीडियो देख रहे हैं, और पता नहीं इन सारे जितने लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया है ना, वो वाकई में मास्टर डिग्री होंगे क्राइम्स में या घोटालों में या दुनिया भर के, और वो घोटाले छुपा दिए जाएंगे क्योंकि विधायक का चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है कि वहां जब सरकार में हम पहुंच जाएंगे तो बस सरकार में अपने हिसाब से सब चीजों को अपनी उंगलियों के इशारे से नचालेंगे। तो येदियुरप्पा भी कम शातिर नहीं है, सारे लोग कम शातिर नहीं हैं। अब विवाद तो छिड़ गया है, इस पर विवाद हो गया है। कांग्रेस की तरफ से विवाद शायद नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में और लोगों के बीच इसकी चर्चाएं चलने लगी हैं। उनको बधाई देने वालों की भी कमी नहीं है। और येदियुरप्पा से जब ये पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के बावजूद लक्ष्मण साध्वी को मंत्री के रूप में शामिल करने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई, जबकि ये व्यक्ति चुनाव हार गया था, उसको मंत्री बना दिया गया, उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन भाजपा तो भाजपा है, भाजपा से सवाल पूछोगे तो भैया निपटा दिया जाओगे? मैं तो बहुत छोटा मोटा यार यूट्यूबर हूँ, 17-18 हज़ार लाइक्स आ जाएं बस काफ़ी हैं, व्यूज़ आ जाएं काफ़ी हैं। ज़्यादा वायरल होता है उस दिन तो मुझे मतलब हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है कि शायद कहीं ऑर्डर जारी ना हो जाए मोदी सरकार से। चलो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में हो जाए। लेकिन ये बात मैंने आपको बोल दी है, और आपको भी लग रहा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री कर्नाटक में बना दिया गया जो प्रोन वीडियो देख रहा था, तो उसका कितना स्वागत करना चाहिए भक्तों को? ये सवाल भक्तों से, जो भक्त बोलते हैं कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ये करने वाले, मोदी जी वो करने वाले, तो सवाल उनसे ही तो करूँगा और किससे करूँगा भाइयों। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।